हाँ जी, क्या हाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे और बढ़िया लाइफ जी रहे होगे। यार आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि यार जैसे कि हम इंडिया के बाहर जाते हैं ना, तो हमें वो मतलब कि जो स्ट्रीट फूड होता है या जो अपना इंडियन फूड होता है वो बहुत ज्यादा मिस होता है जब हम दूसरी कंट्रियों में जाते हैं। तो सेम आपने जापान में सुना होगा कि यार यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं भाई साहब, यहाँ पे सब कुछ मिलता है और हर कंट्री में सब कुछ मिल जाता है। बस आपको एक नॉलेज चाहिए होती है कि कैसे हम मंगा सकते हैं, और आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक तो मैं भी वगैरह यहाँ से जो ऑफलाइन स्टोर होते तो वहां से ले लेता था, तो वहां पे ऐसी फैसिलिटी नहीं होती थी। तो आज मैंने कुछ स्पेशल प्रोडक्ट वगैरह मंगाया, जो खाने पीने का अपना सामान है वो मंगाया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जापान में क्या क्या मंगा सकते हैं और यहाँ पे कैसे मंगा सकते हैं, आपको कितना कॉस्ट होगा, तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। मैंने अभी कुछ मंगाया सामान, तो वो लेके आता हूँ और आपको डिटेल में सब कुछ समझाता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के दिल से यार, जो भी चैनल नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक करके जरूर जाना, और जिसको भी जरूरत है जापान से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे इंस्टा में पूछ सकते हैं और आप यार दोस्तों को भी अपने रिकमेंड कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हाजी में मा शो। जब यहाँ पे कोई भी पैकिंग होती है ना कोरियर, तो अगर इसमें कोई टूटने का सामान होता है ना, तो यहाँ पे वो लिख देते हैं कि भाई साहब ये बीन और ग्लास है। बीन का मतलब होती है कोई कांच के बोतल, या ग्लास मतलब कि वही ग्लास कि टूटने का सामान है, तो इसको कोरियर वाले मतलब कि आराम से रखते हैं और आराम से डिलीवरी करते हैं इसकी। सबसे पहले है ये, इसके ऊपर ये बिल, इसको मैं साइड में लिखता रहूंगा तो आप देख लेना कौन सा सामान कितने का है। भाई साहब सबसे पहले यही है हमारी, ये चिल्ली सॉस है, इसको मैं मंगाता हूँ यार कि एक्चुअली इसको ना जैसे कोई कुछ हम आमलेट वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें खाने में बड़ा टेस्ट आता है, चाहे तो किसी के साथ भी आप मिक्स करके खा सकते हो, बहुत अच्छी होती है। ये ग्रीन चिल्ली सॉस होती है। फिर आता है अपना ये आम का अचार, स्वादिष्ट बढ़िया बिंदास आम का अचार, ये लेकिन पैकिंग जबरदस्त है इसकी। ये है मेरी जो पिंकल, और ये भी बड़ा मज़ा आता है खाने में, हमेशा खाता हूँ यार इसका, क्योंकि खाने के साथ जब तक ये नहीं होता हम इंडियन को खाना पसंद नहीं आता, इसलिए इसको भी मंगाते हैं। ये छोटा है, बड़ा मंगाना था बट छोटा ही मिला ये। उसके बाद ये आते भाई साहब मूंग दाल, तो ये भी सारे यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद ये फिर अगेन हल्दीराम का ही ब्रांड है चटपटा दाल, टेस्टी होता है ये भी, अभी तो खाया नहीं, वैसे मूंग दाल मुझे बहुत पसंद है, पर इसे भी खा के टेस्ट करेंगे, और इंडिया में खाया है यार टेस्टी होता है। और काफ़ी सारा मैंने इस बार मंगाया हुआ है यार इस तरह का आइटम, ये हल्दीराम का, ये भी भुजिया सेव आलू भुजिया, और ये अपनी इंडिया की जान और शान, बचपन की यादें ताज़ा कर देने वाला पार्ले बिस्किट, भाई साहब इसको बहुत खाया यार बचपन में, 1 रुपए के 4 पीस आते थे, तब से खा रहा हूँ मैं इसको। धीरे धीरे तो बहुत महंगा हो गया, मतलब महंगा नहीं हुआ, इसके क्वांटिटी है वो कम कर दिया, लेकिन प्राइस देखो आज भी इसका 5 रुपए है, इससे महंगा ज़्यादा नहीं हुआ, बट यहाँ पे तो महंगा है। और ये देखो समोसा, ये भी हल्दीराम का ब्रांड है, हल्दीराम को पता है कि जब विदेश में बेचेंगे तभी जाके बिकेगा, नहीं तो यहाँ पे तो इंडिया में कोई ऐसा सामान लेगा नहीं। ये भाई साहब समोसे, और भी समोसे मैंने मंगाए हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये है भाई साहब आटा, एक्चुअली 5 kg का मिल जाता है, 10 kg का भी मिलता है, बट इस बार मैं 1-1 kg का मंगाया हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंडिया जाने का भी प्लान है, तो इसलिए मैं 15-20 दिन के लिए मंगाया हूँ, 2-3 पैकेट है ये। और ये है नेक्स्ट मिक्स दाल, ये सब अंबिका का टैग इसमें लगा होता है, जो भी ये मतलब कि आटा दाल वगैरह होती ना, ये सब इसका ब्रांड का होता है अंबिका, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमस है, और इन्हीं की वेबसाइट से, इन्हीं की साइट से मैंने मंगाया सारा सामान। ये है क्या बोले इसको, किशमिश, ये मैं इंडिया से बहुत से ले आता था ड्राई फ्रूट्स वगैरह, लेकिन मैं तो इंडिया के ही नहीं खाए होते, लेकिन यहाँ पे भी मंगा लिया है, तो एक्सरसाइज वगैरह करते तो यार चाहिए होता है। और वही ये मतलब भाई साहब काजू, सबसे फेवरेट है मेरा ड्राई फ्रूट्स में ये काजू, काजू और ये किशमिश बहुत खाता हूँ मैं हमेशा, मुझे पसंद है, मुझे बादाम जो आलमंड होते हैं ना वो नहीं पसंद है, ये बहुत पसंद है, इसको हमेशा खाता हूँ मैं। और ये एक यार मंगाई हुई है राजमा रेड, बाकी सारे दालें वगैरह तो हमारे पास पड़ी हैं, बट ये राजमा वगैरह मेरे पास था नहीं, तो अभी के लिए मैं कह चलो थोड़े टाइम के लिए मंगा लेते हैं। मतलब यार सब कुछ मिल जाता है, अगर आपको कुछ भी चाहिए ना सामान, जो भी मतलब कि आपके दिमाग में सोचते हो कि यार मुझे ये खाना है,
तो आपको सारा सामान मिल जाता है। तो इस डब्बे का हो गया खत्म। अब दूसरा डब्बा ओपन करता हूँ, उसमें दिखाता हूँ, उसमें है मेरा फ्रोजन आइटम। तो उसमें भी दिखाते हैं, इस बार मैंने बड़े इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट वहाँ से मंगाया है। तो इसको खोलता हूँ। फ्रोजन आइटम होता है ना, तो ये पैकिंग में इसे में ये -18 डिग्री सेल्सियस लिखा है, मतलब कि इस बॉक्स को कहीं पे भी रखना है जहाँ पे माइनस में 80 डिग्री सेल्सियस में हो, उससे ऊपर ही होना चाहिए, वहाँ पे इसको रखेंगे। मैंने भी वहाँ पे जॉब किया है, देखिए सागवा का है तो इसलिए मुझे पता है, मैंने इसी कंपनी में अरबाई तो किया था। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट डब्बा, इसमें है सारा अपना फ्रोजन आइटम जो कि बिंदास होते हैं ये भी। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले ये आते हैं भाई साहब पनीर, ये बहुत ठंडा था यार, पूरी बर्फ के जैसे जमी हुई है। इसको हमने अभी बनाया हुआ है और तभी इसको ओपन किया मैंने। ये 1 kg का है, इसको 2 pieces मंगाया। ये नेक्स्ट आता है भाई साहब अपना, ये देखो ये है रेडीमेड पराठे, होम स्टाइल पराठा। एक्चुअली यार रोटी वगैरह तो मैं बनाता हूँ हमेशा, घर पे ही बनाते हैं, कि आपको लिमिट होती है कि अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी तो मिल जाता है, बट फ्री ऑफ डिलीवरी नहीं मिलता है। तो फ्री डिलीवरी के लिए आप जो आपकी अमाउंट बनती है उसकी एक लिमिट होती है, आप अगर उससे ज़्यादा जाते हैं तो आपको फ्री मिलता है। तो इसकी जो फ्रोजन आइटम की वैल्यू होती है 2000+ होती है, आपका 2000 का सामान होना चाहिए तब जाके आपको फ्री ऑफ कास्ट डिलीवरी हो जाएगा। और इसकी जो ये पूरा इस तरह का सामान होता है, इसकी होती है 5000 के ऊपर, ठीक है। तो इसको भी मैंने 2-3 पीस मंगा लिया है यार। भाई साहब ये परौठे और ये पनीर देख के, पनीर तो ऑलरेडी मैंने बना रखी है और ये परौठे वगैरह देख के भाई साहब मुंह पे आ रहा पानी और पेट पे कूद रहे हैं चूहे। तो दोनों चीज साथ में हो रहा है। तो इससे वीडियो बनाने से पहले भाई साहब मैं खाना पसंद करूंगा, जाते हो पहले इसको हीट करते हैं, गरम करते हैं, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। वैसे आप तो ये नॉर्मल हो गए नहीं, वो मॉर्निंग में तो बर्फ के जैसे था पूरा। तो पहले खाता हूँ फिर बाद में आपको आगे क्या क्या और सामान है वो दिखाता हूँ। तो खाना हो गया तैयार भाई साहब। अब इसी में जो मंगाया मैंने चिल्ली सॉस, इसको मिक्स करूंगा ताकि थोड़ा सा और टेस्टी बने। पानी आ रहा मुँह में बहुत तेज तगड़े से, लग रहा है कब जाए मुँह पे। बहुत टेस्टी यार कसम से। पर ये थोड़े से ना परोठे जो हैं ये थोड़े से कच्चे टाइप में है, इनको अच्छे से वही मतलब जो आग है ना गैस के ऊपर इनको बर्न करके ही उनमें टेस्ट आएगा। वैसे तो टेस्टी है बट थोड़ा कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि कच्चे लग रहा है, मतलब कि आटे जैसे कि थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है। तो इसको वही बर्न किया जा सकता है ऊपर, तभी जाके इसमें टेस्ट आएगा। और ओए खाता ही रहेगा क्या, पहले वीडियो तो पूरी कर ले फिर बाद में खाना खाना। यार वीडियो बनाने के चक्कर में खाना भी खाना बंद कर दूं क्या, वैसे भी इतनी मेहनत करता हूँ यार, वैसे खाना भी बंद कर देता हूँ। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में। और मैं तो यार इतने मेहनत करता हूँ बट ये लोग इतना प्यार नहीं देते, सपोर्ट नहीं देते, तो इनको भी जरा समझाओ भाई कि प्यार दो सपोर्ट दे। बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, आप अपना काम करो या ना करो ये आपकी मर्जी है, देख लो क्या करना है। चलो यार कोई बात नहीं, खाना रख देते पहले वीडियो कंप्लीट करते हैं, आप लोगों के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो यार वही नेक्स्ट ये आता है फिर से, ओहो तंदूरी गार्लिक नान, वही है हल्दीराम की यार, और बड़ा बिंदास हो गया यार ये भी खाने में। तो इसको जब चिकन बनाऊंगा उसके साथ में खाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और ये अगेन समोसे, ये ज़्यादा पैकिंग वाला, वो छोटा जो दूसरा है वो छोटा पैकिंग था और ये बड़ा पैकिंग है। तो इसको यार पहले बाहर ही रखना पड़ेगा क्योंकि इसको चाहे जितना मर्जी हीट कर लो या गर्म कर लो, ये इसके अंदर का जो होता है ना एक्चुअली मतलब कि माइनस टेम्परेचर में होता है तो ये बर्फ जैसे हो जाते, तो इसको पहले 1.5 से 2 घंटे इनको बाहर ही रखना पड़ेगा। ये भाई साहब समोसे, और ये देखो भाई साहब हल्दीराम रस मलाई, ओहो फिर से दोबारा सा पानी आ रहा है मुँह पे। तो इसको भी खा लो पहले फिर बाद में वीडियो बनाता हूँ फिर आगे बताते हैं। तो फिर जा रहा है यार, फिर सोच रहा है एक बार के बाद समझ में नहीं आएगा यार ये डंडा कर दिया है, तो इससे अच्छा है कि पहले वीडियो ही कंप्लीट कर लेते हैं बाद में फिर इसको खाएंगे या जो भी खाएंगे। तो वैसे भी ये लास्ट ही प्रोडक्ट था, ये खत्म हो गई। एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो यही वो ये अचार, ये तंदूरी और ये रोटी रखी है, ये दाल, ये अपनी इंडिया की जान और शान पार्ले बिस्किट,
जो बचपन से खाते चले आ रहे हैं। तो ये हो गया, ये है पनीर जो कि ओपन किया हुआ है, ये समोसा, चिल्ली सॉस और इधर ये है आटा। तो यार ये जो मतलब कि टोटल बिल है ना, तो इसका टोटल है 10,766 yen, प्लस इसमें 8% इसने यहाँ का जो टैक्स लगता है वो ऐड होके टोटल बिल आया है अपना 11,628 yen। मेरे पास ऑलरेडी काफी ग्रोसरी पड़ी हुई थी तो मैं उस तरह का सामान नहीं मंगाया। नहीं तो और ये आपको बता दूं कि इतना ही मतलब कि अगर जब आप कोई सामान मंगाते हैं, अगर आप खाने पीने का कुछ भी मंगाते हो तो यहाँ पे मतलब कि 15,000 के अंदर अंदर आपका 1 month के खर्च खाने पीने का हो जाता है। ज़्यादा डिटेल में देखनी है अगर यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस कितना आता तो ये वाली जाके वीडियो देख लेना, इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया तो उसमें से ज़्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा। यार एक्चुअली आप ये सारा सामान तो ऑफलाइन वगैरह भी मंगा सकते हो, जो ग्रोसरी की यहाँ पे शॉप होती ना, जो नेपाली और भी कंट्री के लोग हैं जो रेस्टोरेंट वगैरह खोल के रखे हैं तो उनसे भी मंगा सकते हो। बट ऑनलाइन मंगाने का ये फायदा होता है कि अगर ऑफलाइन मंगाते हैं जो रेस्टोरेंट वगैरह जो ग्रोसरी की शॉप वगैरह ओपन करके रखते हैं तो उनसे थोड़ा सा ये सस्ता मिलेगा, प्लस आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो डिलीवरी चार्ज होता है वो आपको फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अमाउंट का वो होता है। आप अगर 5,000 प्लस ऑर्डर करते हैं तो आपको मिल जाएगा और इससे ज़्यादा ही जाता है बिल, यार कम तो आएगा नहीं। और अगर ऑफलाइन मंगाते हैं तो आपको जो भी सामान खरीदेंगे वो थोड़ा सा महंगा होगा, प्लस आपको डिलीवरी चार्ज वगैरह भी देना पड़ता है, इसलिए आप ऑनलाइन वगैरह मंगाएं। और इसमें ऑप्शन बहुत मिल जाता है आपको, बहुत ज़्यादा इसमें सामान कुछ भी अगर खाना है ना सब कुछ मिल जाता है। बाकी हाँ, अगर ऑफलाइन पे अगर मिलती है तो आपको फ्रेश मिल जाएगा, ये आपका वहाँ पे प्लस पॉइंट हो सकता है। तो मुझे लगता है यार इतना टाइम ही नहीं होता है, तो अगर आपको घर में रह के खाना है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो में यहीं तक, तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।